Yes, sir. Today we will start exercise 20D from question number 4. Sum of area of two squares is 400 centimeter square. And if the difference of their perimeters, अब देखो difference आ गया ना, तो larger square minus smaller square. Sum of area of two squares and difference of their perimeters. यहाँ पे गुड मॉर्निंग जी, इसकी साइड को एक्स ले लो, इसकी साइड को वाई ले लो. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग जी. अब फर्स्ट कंडीशन क्या दी है उन्होंने, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400. अंकित, इस स्क्वायर का एरिया. अंकित आर यू देयर सर? यस सर. इस स्क्वायर का एरिया सर? साइड स्क्वायर x स्क्वायर. इस स्क्वायर का एरिया y स्क्वायर. किसके इक्वल है? 400 के. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकंड, डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर्स. नेचुरली है बिगर स्क्वायर के पैरामीटर में से स्मॉलर स्क्वायर का पैरामीटर माइनस करेंगे तभी पॉजिटिव आंसर आएगा. तो यस अन्वेषा, डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर इज 16. Yes, sir. Difference between their perimeter is 16. तो क्या करूँ मैं? Sir, x square minus y square. 4x minus 4y. Perimeter of the square 4 into side. 4 into side. Difference करके कितना आ गया बच्चे हमारे पास? 16. 4 common. X minus y. Is 16. X minus y 16 upon 4. 4 जो मल्टीप्लाई था कहां चला गया? नीचे. X minus y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई. यहां से बच्चे x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल के इसमें फिल कर दो. 4 plus y, इसको सेकेंड इक्वेशन ले लो. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. इप्सिता, व्हाट वी गेट? सर, 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर. यस. प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 400. सिंपली चाहे तो बच्चे यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो चाहे वाई की. मैंने एक्स की निकाल ली, इसे यहां पे फिल कर दो. अब इसको ओपन करो. ए प्लस बी का होल स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस वाई स्क्वायर इज 400. y square plus y square 2y square plus 8y plus 16 400 is side aake minus ho gaya. 2y square as like plus 8y minus 384. 400 mein se 16 minus karenge kya aayega? 384 is equal to 0. Simplify. 2 is common to 2 common lena hai. y square plus 4y minus 192, 0. y square plus 4y minus 192 is 0 upon 2. 192 के factors जिनको minus करें 4 आए. Middle term split. देखो middle term split कहीं पे भी आ जाती है ना. 192 के factors. 2 पे 96. 2 पे 48, 2 पे 24, 2 पे 12, 2 पे 6, 2 पे 3, 3 पे 1. 2 to the 4 to the 8 to the 16, 3 to the 6 to the 12, 16 and 12, plus 16y minus 12y, minus 192. First 2, last 2. First 2 में y common है. y plus 16 बचेगा, minus 12 common, y plus 16, 0. y plus 16 common,
व्हाट इज लेफ्ट y माइनस 12 इसको बच्चे अलग से जीरो की इक्वल इसको अलग से y की वैल्यू माइनस 16 आ गई यहां से y की वैल्यू 12 आ गई दिस इज टू बी रिजेक्टेड ये क्या कर देंगे हम रिजेक्ट y की वैल्यू 12 आ गई यहां फिल कर दो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में पुट इन इक्वेशन सेकंड x किसके इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 12 दैट इज 16 सेंटीमीटर दोनों साइड्स आ गई बिगर स्क्वायर की साइड 16 आ गई स्मॉलर की 12 आ गई डाउट किसी को बच्चे इसमें कोई सिंपली कुछ नहीं हमें दो चीजें दी हैं सम ऑफ देयर एरियाज एंड डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर्स एक स्क्वायर की साइड को x ले लिया दूसरे स्क्वायर की साइड को y ले लिया उनके एरिया का सम साइड स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ना 400 Then second is difference between their perimeter. Iska perimeter minus iska perimeter. 16. 4 common. X minus y 16. X minus y 16 upon 4. 4 aa gaya. Yahan se bachche chahe to x ki value nikal ke fill kar do first mein. Chahe y ki. X ki nikal ke isme fill kar di. Kaise aaya? Haan ji beta. Sir, 16 kaise aaya? Diya hua hai question mein. Question di book nahi kholi. Open ki. Sir, 16 nahi hai. 16 ही है बच्चे मेरे पास तो ये देखो दिख रहा है डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 16 यस तो कौन से क्वेश्चन पे फिर रहा है पहले तो मुझे ये बता सुखजिंदर फर्स्ट नाउ We have question number 5. Yes, Joya. Find the area and perimeter of square with diagonal 24. Square bana liya. Iska diagonal diya hua hai. Kitna? 24. Iska area and perimeter find karna hai. Yes, bache. Joya, bolo bache. We have to diagonal of a square is given. We have to find its area and perimeter. Area of square ka formula. बच्चे सुनाई नहीं दे रहा थोड़ा ऊँची बोलो. Side into side into side into side. Side into side into side into side क्या होता है? डायगनल दिया है तो डायगनल वाला एक फॉर्मूला नहीं था एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया जब डायगनल गिवन हो स्क्वायर का एट दैट टाइम बच्चे हमारे पास एक फॉर्मूला था एरिया ऑफ स्क्वायर का सर मैं बताऊं एक मिनट जोया सर चल तूने पढ़ना छोड़ दिया है सर मैंने ये चैप्टर किया ही नहीं है मैं कल तो आई हूँ कल तो आई है पर एरिया ऑफ स्क्वायर कल भी आया था फॉर्मूला आई थिंक कल तो हम सर्कल से किया था एक उसमें किया था क्वेश्चन में 24 सम में आया था हाफ डी स्क्वायर याद रहेगा अभी ये साइड में मैं अभी ये इसका स्लो मोड हुआ पड़ा है ना अक्षरा सर जब इसको कुछ लिया रहा होता है या स्टार्टिंग में सर फिर इसका फास्ट फॉरवर्ड लगता है 24 2 48 4 24 4 28 288 सेंटीमीटर स्क्वायर Now, one more formula. Joya, ek to ye aa gaya bache, area of square ka formula, half d square. Dusra formula kya hota hai bache? Side square hota hai na? Sir, side square, yes sir. To side hum find karenge. Square, dusri side pe jaake square root ho gaya. Yes
प्लस माइनस, प्लस माइनस की जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होगी, है ना? जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे बच्चे, 12 × 12 × 2, 12 इज आउट, 12 रूट 2 सेंटीमीटर आ गया, ये आ गई साइड। नाउ पेरीमीटर, एरिया, एक आंसर तुम्हारा ये आ गया जो मैंने बॉक्स में कर दिया। दूसरा पेरीमीटर का फॉर्मूला जो या पेरीमीटर होता क्या है जोया, पहले तो ये बता मुझे जोया, आर यू देयर? यस सर, पेरीमीटर सर वो होता है जो हम बाहर वाली साइड का मतलब निकालते हैं सब, बाउंड्री की लेंथ, लेंथ निकालते हैं सर, बाउंड्री 4 इनटू साइड, 4 इनटू साइड इज 12√2, 12 × 4 = 48√2 सेंटीमीटर, That is the perimeter. अब बट उन्होंने रूट टू की वैल्यू गिवन है तो वो वैल्यू फिल करनी पड़ेगी बच्चे, 1.41 दी हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर इन सेंटीमीटर, तो ये पेरीमीटर आ जाएगा। एक आंसर हमारा एरिया ये आ गया और पेरीमीटर ये आ गया। किसी को समझ ना आया हो बेटा ये सम? नो वन? नो सर। Now the sixth sum, a steel wire, एक वायर है, when bent in the form of square, square की form में change करते हैं, तो encloses an area equal to 121. The same wire is bent in the form of circle, उसके बाद इसको किस में चेंज कर दिया? Circle में। Find the area of circle. बच्चे मुझे ये बताओ, कल भी हमने एक सम किया था इस जैसा, 25th, दिवांशु, how we can do? सर, स्क्वायर का पहले पेरिमीटर निकाल लेंगे। How? Sir. इस वायर, वायर को पहले इसमें चेंज कर दिया और उसके बाद सर्कल में, तो क्या चीज सेम है? दोनों में पेरिमीटर सेम है ना, मतलब इसका पेरिमीटर इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल आएगा ना, वायर तो उतनी यूज हुई है, वायर की लेंथ तो सेम रहेगी, तो इसका पेरिमीटर इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल। बट प्रॉब्लम क्या है? इसका एरिया गिवन है, जब तक इसकी साइड नहीं आएगी हम इसका पेरिमीटर नहीं निकाल सकते। तो दिवांशु, हाउ वी कैन फाइंड? सर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। Yes. So area का formula side square. हाँ, yes बच्चे, A is root 121 ना? Yes sir. 11 की value कितनी है? 11 centimeter आ गई. A आ गया. अब उसके बाद now. अब 4A is equal to perimeter निकाल लेंगे. 44. 4A is equal to 2 pi r, सीधा कर दो बच्चे. इसका perimeter इसके circumference के equal. क्यों? क्यों इक्वल? बिकॉज द वायर लेंथ ऑफ वायर इज सेम। इसके अंदर भी वायर कहां पे लगी है? इसके पेरीमीटर में। यहां कहां लगी है? इसके सर्कमफेरेंस में। तो इसका पेरीमीटर इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा ना, क्योंकि वायर की लेंथ तो उतनी है। 4 × 11 = π 22/7 आर बच्चे हम, क्योंकि हमने एरिया निकालना है इसका। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जब तक हमारे पास आर नहीं आएगा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। आर अपने प्लेस पे, 4 × 11 = 7 ऊपर, 2 × 22 = 2 आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा बच्चे हमारे पास। कर लोगे? यस सर, हो जाएगा। यस सर। Now, seven sum. Manmohit, perimeter of semicircular plate. Semicircular मतलब आधी प्लेट, ऐसे। इसका perimeter दिया है 108. Find its area. Manmohit. Yes, sir.
पेरीमीटर, सेमी सर्कुलर प्लेट का पेरीमीटर क्या होगा? बोलती बंद सर, आंखें नहीं खुली मनमोहित सर, पता नहीं, पता नहीं। आर्या सर, यस सर। एक मिनट बच्चे, दिवांशु नहीं बच्चे, तुम्हारी टर्न आ चुकी है ना। हाँ जी आर्या, पैरामीटर इसका कैसे निकालेंगे? सर पहले पाई आर प्लस टू आर इक्वल्स टू 180 कर देंगे, क्योंकि आर वो रेडियस ऑफ सर्कल होता है। थैंक यू सो मच, मुझे बता दिया तूने कि रेडियस आर रेडियस होता है। मजाक कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही है। यस देखो बच्चे, बताता हूँ बेटा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है अपशिता? सर बाउंड्री की लेंथ। ये बाउंड्री की लेंथ जो मैंने डबल की है सिर्फ यहाँ तक, वो कितनी आएगी? 2 पाई आर अपॉन 2 ना? यस सर, पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस का हाफ। तो ये बाउंड्री नहीं है सेमी सर्कल की, ये बता मुझे जो अभी अभी किया मैंने डबल, दिस वन। ओके सर, सर गॉट इट, दिस इज आल्सो द बाउंड्री। मनमोहित समझ आया बच्चे? सब मेरे को लगा सर ये वाला जो 2 बाय आर है उसी में कवर हो जाएगी ये वाली जो हमारा डायमीटर है। तू ना मतलब बस खाएगी मेरे से चांटे, जब मर्जी खा ले सर, कोई बात नहीं, मार लेना। चलो एक पाई आर प्लस 2 आर बच गया। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये चीज समझ ना आई हो? अंकित, नमन, प्रतीक, सुखजिंदर, कि ये 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस 2 आर क्यों किया है? बिकॉज दिस बाउंड्री इज 2 पाई आर अपॉन 2, सर्कमफ्रेंस का हाफ है ये सर्कमफ्रेंस, प्लस ये वाली लाइन, ये भी तो बाउंड्री में आ रही है सेमी सर्कल के, तो 2 आर रेडियस प्लस रेडियस मतलब डायमीटर है ये। आर यहां से कॉमन लो, पाई प्लस 2 इज इक्वल 108। आर हमने कैलकुलेट करना है, उन्होंने आर ही बोला ना, सॉरी एरिया बोला है, मतलब रेडियस आएगा तभी आर आएगा। पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 इज 108। आर एज लाइक 7 एलसीएम, 22 प्लस 14 108, दोनों को ऐड किया 36 अपॉन 7 इज 108। रेडियस 108 इंटू 7 अपॉन 36, रेडियस कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर आ गया। हाउ मच वी गेट द रेडियस? 21 सेंटीमीटर। अब उसके बाद बच्चे, नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यस आर्या? एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा आर्या? सर एरिया ऑफ सेमी सर्कल सर पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो 22 बाय 7। ओके 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 ओके, बस 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 बस, यस सर, पहले सॉल्व कर रखा है सम, है ना आर्या? यस सर। तभी फटाफट 22 बाय 7 आ गया, अदरवाइज आता नहीं था वो। वेरी गुड, अभी किया है कि पहले कर लिए थे? सर कल हम नहीं आ पाए तो हमको लगा आप आगे तक पढ़ा दिए। अच्छा ओके, 33 वन जा 33, यहाँ पे क्या आ गया? थ्री कैरी 693 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर, दैट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर शीट। अंडरस्टूड? यस सर। रूप भाग गई? यस सर। एट सम, टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, ये सम हमने पहले भी किया था, टू सर्कल टच एक्सटर्नली। सर क्वेश्चन नंबर 22, सर 20 सी का 22 क्वेश्चन। एट सम बच्चे, डू इट योरसेल्फ, अपने आप करोगे, बिल्कुल सेम है उस सम की तरह समझ जाएगा। नाइन्थ सम, The diameter of front
एंड रियर व्हील ऑफ अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर तो सबने देखा होगा. यस सर. सिर्फ इप्सिता की आवाज आई है, बाकी सब किसी ने देखा ही नहीं है. यस सर देखा है. यस सर. ये उसका फ्रंट व्हील होता है और ये रियर व्हील. पिछला जो व्हील होता है वो बड़ा होता है. यस सर. डायमीटर ऑफ फ्रंट एंड रियर व्हील ऑफ अ ट्रैक्टर आर. डायमीटर 63. रेडियस क्या हो जाएगा? 63/2. देखो मैं हमेशा बोलता हूं, मैं कभी डायमीटर को डिनोट नहीं करता, मैं ऑलवेज रेडियस को करता हूँ क्योंकि रेडियस का यूज होता है. इसका रेडियस बच्चे रियर व्हील का डायमीटर मीटर में है ना, सेंटीमीटर में कर लेंगे 154 हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे 77 आ जाएगा. दैट इज कैपिटल आर. फ्रंट व्हील का रेडियस भी आ गया, रियर व्हील का रेडियस भी आ गया. द रियर व्हील इज रोटेटिंग एट एन ए रेवोल्यूशन पर मिनट. रियर व्हील, रियर मतलब इस व्हील के, तो डिस्टेंस कवर्ड पहले, सबसे पहले तो एक रेवोल्यूशन में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा नमन? मैं प्रॉपर लिख देता हूं, मैं डिस्टेंस कवर्ड बाय By rear wheel in one revolution. सर मैं बताऊँ? एक मिनट बच्चे, नमन वो सो रहा है ना ऑन करके. नो सर. बताओ फिर. बता. इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वली होगा बेटा. दुबई कैपिटल आर. डिस्टेंस कवर्ड बाय रियर व्हील इन हाउ मेनी रेवोल्यूशंस आर देयर? 24/6/11 इन 1 मिनट. तो 2πr कैपिटल आर इनटू, इसको बच्चे मल्टीप्लाई कर लो, 11 × 44 = 22 × 426 + 6 = 270/11. 270/11 ये आ गया बच्चे. इसको ऐसे ही रख लो, इतने सेंटीमीटर. पाई और टू और कैपिटल आर की वैल्यू हम बाद में फिल करेंगे. ये एक मिनट में बच्चे इतने रेवोल्यूशंस हैं, इतना डिस्टेंस कवर किया, मतलब एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करता है. 24/6/11 रेवोल्यूशन में कितना? दिस इज द आल्सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय रियर व्हील इन 1 मिनट. ये और क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय रियर व्हील इन 1 मिनट है. 2πR × 270/11. अब मुझे एक बात और बताओ, जितना बच्चे डिस्टेंस रियर व्हील कवर करता है उतने फ्रंट व्हील करेगा और नॉट सेम टाइम में? यस सर. यस सर. यहाँ पे छोड़ के उसके बाद यहाँ पे ना एक स्टार्टिंग में लिख दो लेट. उन्होंने क्या पूछा है? रेवोल्यूशन पर मिनट मेड बाय फ्रंट व्हील. लेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय फ्रंट व्हील इन 1 मिनट. वो एन लेट कर लेते हैं हम. क्या लेट कर लेते हैं? एन. तो यहाँ पे जो ये चीज आई है, जो रियर व्हील ने डिस्टेंस कवर किया उतना ही फ्रंट व्हील ने किया होगा ना एन रेवोल्यूशंस में, तो एन इनटू 2πr स्मॉल आर, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में कितना करेगा, इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल करेगा. किसके इक्वल? 2π कैपिटल आर इनटू 270/11. ये चीज समझ आई बच्चे? मैंने इसको इसके इक्वल क्यों रखा है? यस सर. दिस इज आल्सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रंट व्हील इन 1 मिनट. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय रियर व्हील इन 1 मिनट, बट द डिस्टेंस कवर्ड इज सेम. दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक इट इक्वल. 2π से 2π कैंसिल. एन हमने फाइंड करना है. स्मॉल आर की वैल्यू 63/2 है, कैपिटल आर की वैल्यू 77 है, इनटू 270/11. And we have to find 77 × 270/11, 2/63. 11 sevens are 77.
सेवन नाइन जा 63, नाइन से बचे 30, कितना आ गया 32 आर 60 रेवोल्यूशंस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर हम यहाँ पे क्लेरिफिकेशन नहीं देंगे कि मतलब देयर सेम डिस्टेंस कवर्ड बाय? नहीं बच्चे नहीं, सीधा कर देंगे, सीधा इसके इक्वल रख देंगे, करना है दे दो, वैसे कुछ देने की जरूरत नहीं होती ऐसे, समझे? यस सर। बस यहाँ पे मैक्सिमम ये लिख देना, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रंट व्हील इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय रियर व्हील, ये लिख सकते हैं अब तो, ठीक है? यस सर। डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रंट व्हील n into 2 pi r, डिस्टेंस कवर्ड बाय रियर व्हील, लिसन टू दिस, 2 pi r into 27। अब उसके बाद क्या पूछा था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रैक्टर इन 40 मिनट्स। अब 1 मिनट का डिस्टेंस ये था बच्चे, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ये ले ले, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैक्टर, रियर व्हील ने जितना डिस्टेंस किया है उतना ही ट्रैक्टर करेगा कवर, यस और नो? यस सर। जो ये आया था बच्चे 2 पाई आर इंटू 270 इंटू 270 अपॉन 11, इन्होंने कितने टाइम में पूछा है अभी, 40 मिनट्स में, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैक्टर इन 40 मिनट्स, तो इप्सिता क्या करेंगे? So 40 divided by all. शाबाश। तो क्यों? Into 40 करेगी? सर ये मिनट्स में है सर, हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ये भी मिनट में ही है, 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर होता है तो 40 मिनट में कितना होगा? Into 40 नहीं करेगी? सर वो तो सर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए नहीं होगा, कि अगर एक मिनट में इतने रेवोल्यूशंस है, वो तो ये थे रेवोल्यूशन, तो ये क्या है इनटू 2 पाई आर, क्या कैपिटल आर किया है तो वो डिस्टेंस नहीं है एक मिनट में कवर किया। ओके सर, ये पूरी लाइन तभी मैंने लिखी है, मुझे पता था कि तू ऐसे गड़बड़ करेगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैक्टर इन 1 मिनट, यहाँ पे मैंने वही लाइन लिखी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय रियर व्हील इन 1 मिनट, रियर व्हील की जगह मैंने ट्रैक्टर डाल दिया। सर वो बात की है सर, सर यहाँ पे के सर 40 मल्टीप्लाई हो गया। ओके पता चला 40 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? यस सर। अभी भी देख ले कोई कंफ्यूजन है तो? नहीं है सर। बाकी तो ना मुझे ये लगता होता है शिता को छोड़ के सो रहे होते हैं सारे। नो सर। सर मैं जग रहा हूँ। नो सर। कौन जग रहा है? Devanshu. Two circles touch each other externally. वैसे तो उसी टाइप का है बट चलो मैं ये सम कर देता हूं क्योंकि हमारे पास टाइम है पेंडिंग। टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज, इसके रेडियस को कैपिटल आर ले लो, इसके रेडियस को स्मॉल आर ले लो, सम ऑफ देयर एरियाज इज 74 पाई। सुखजिंदर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला? सर एरिया ऑफ सर्कल, हाँ जी सर, हाफ इंटू ब्रैकेट पाई, क्या 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 हाफ इंटू ब्रैकेट? नो बेटा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, हाफ तो आता ही नहीं है। सुखी बोल पा? ओके सर। पाई कैपिटल आर स्क्वायर बेटा, प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना है होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, सम ऑफ देयर एरियाज कितना दिया है, 74 पाई दिया है, यहां से क्या करो पाई कॉमन लो, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 74 पाई, पाई से पाई कैंसल,
कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 74 आ गया। इसको ले लो इक्वेशन वन। नाउ सेकंड क्या दिया उन्होंने, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, टच कर रहे थे, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये टोटल डिस्टेंस दिया, मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर गिवन है कितना 12। फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल्स, जितना रेडियस आएगा उसका डबल करके डायमीटर आएगा ना। यहां से बच्चे चाहे तो कैपिटल आर की वैल्यू निकाल के इसमें फिल कर दो, या चाहे स्मॉल आर की वैल्यू निकाल के फिल कर दो। क्या करें, कैपिटल आर निकाल लें, स्मॉल आर उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, यहां से कैपिटल आर की वैल्यू इसमें फिल कर दो, पुट इन फर्स्ट 12 माइनस आर होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 74, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 144 प्लस आर स्क्वायर माइनस 24 आर प्लस आर स्क्वायर इज 74, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर माइनस 24 आर प्लस 144, 74 इस साइड आके माइनस हो गया जीरो, 2 आर स्क्वायर माइनस 24 आर प्लस 70, 2 कॉमन आर स्क्वायर माइनस 12 आर प्लस 35 के फैक्टर जिनको प्लस करें तो 12 आए, 7 एंड 5। यस सर फर्स्ट टू लास्ट टू, फर्स्ट टू में आर कॉमन आर माइनस 7, माइनस 5 कॉमन आर माइनस 7, आर माइनस 7 आर माइनस 5, इसको अलग से, इसको अलग से, यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब ये 5 है तो ये 7 है, ये 5 है तो ये 7 है, यहाँ पे फिल कर देंगे कैपिटल आर की वैल्यूज आ जाएंगी, 7 फिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 फिल करेंगे तो 7 आ जाएगा, ये रेडियस आ गए, इसका डबल कर देना डायमीटर, 10 एंड 14 आंसर आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने डायमीटर पूछा है, रेडियस नहीं पूछा, समझे? यस सर। यस सर। सर हमारे सर लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर, काफी लेंथी था ये लेंथ चैप्टर बच्चे, क्योंकि एक्चुअल में एक एक सम करना पड़ रहा था। इफ अ स्क्वायर इज इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक स्क्वायर सर्कल के अंदर बना हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड द स्क्वायर। अब जो इसका डायगोनल होता है वो इसका डायमीटर होता है ना, यस और नो? यस सर। इफ अ स्क्वायर इज इनस्क्राइब्ड इन, इसके रेडियस मैं इसकी अकॉर्डिंगली नहीं करूंगा जैसे इन्होंने किया है, मैं अपने तरीके से करूंगा बच्चे, इन्होंने हिंट दिया है ना, मैं वैसे नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ रेडियस को आर ले लिया, तो पूरा डायगोनल डायमीटर कितना हो जाएगा 2 आर ना, क्या पूछा, किसकी रेशियो पूछी है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल अंकित सर पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर भी बता दे, साइड स्क्वायर, साइड तो है नहीं मेरे पास, हाफ डी स्क्वायर नहीं लगाएंगे बेटा, यस सर, डायगोनल है, उन्होंने साइड लेके किया, मैंने डायगोनल को लेके किया है, पाई आर की वैल्यू आर, जो हाफ नीचे था वो ऊपर 2 चला जाएगा, डी स्क्वायर 2 आर का स्क्वायर, 2 आर इंटू 2 आर लिख दूं, एक 2 कैंसिल, आर आर कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया पाई अपॉन 2 आ गया, तो रेशो क्या आ गई, पाई रेशो 2 आंसर, चेक करो इसका आंसर पीछे क्या दिया है, कितनी करना सर इसको सॉल्व नहीं करना, एक मिनट वैल्यू फिल कर देना, करनी है तो कर दो, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7,
इंटू टू, टू से इलेवन आ गया, इलेवन बाई सेवन आ गया, इलेवन रेशो सेवन इज आंसर. अब तो ठीक है. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुझे एक बात बताओ,